भैया हमारा रिजल्ट निकाल दो 12th का। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बताओ अपना रोल नंबर बताओ। पहले मेरा लिखो 91 92 बाकी। ओए क्या बोल रही है? Oh, no! अरे पूरा सुन तो लो यार, 91 92 बाकी 4 बार 8। अच्छा अभी बताता हूँ। सुन बफरिंग हो रही है, सर्वर डाउन चल रहा है ना, थोड़ी देर में बताता हूँ। तब तक आप एक काम करो, 2 टिकट बुक कर दो गोवा की, एक मेरी और एक किसकी। अरे वाह बेटा, गोवा वो ही बंदी के साथ, तेरा भी सही है। भैया वो क्या है ना, पापा ने मुझे बोला है कि अगर मेरे 70% आ गए 12th में तो पापा मेरे को गोवा भेज देंगे। अब मेरे आने 90% तो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, मेरी तो बंदी भी जाएगी ना साथ। लो पापा का ही कॉल आ गया। हाँ जी पापा जी। अरे अभी तक तेरा रिजल्ट नहीं निकला क्या? अरे नहीं पापा, इनका ना सर्वर डाउन चल रहा है, मैं लेकिन तब तक ना गोवा की टिकट बुक करा रहा हूँ। पहले रिजल्ट तो आने देता, और एक बात बता टिकट के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे पापा आपके तो ATM कार्ड चुरा के लाया हूँ, आप अपनी फोन रखो। हाँ भैया तुम 2 टिकट करो यार गोवा की। अरे लो भैया आपकी 2 टिकट गोवा की हो गई बुक। अरे वाह, ये बताओ हमारा सर्वर चला? अरे नहीं नहीं अभी भी सर्वर डाउन चल रहा है। ओए मां यार गुड्डू कितनी देर में सर्वर चलेगा, मुझे गोवा जाना है। बेबी बस थोड़ी देर और वेट करो, रिजल्ट आते ही हम दोनों गोवा। भैया 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 चल गया सर्वर, एक बार दोबारा रोल नंबर बताओ। चल गया लिखो 91 92 बाकी 4 बार 8। और ये निकल गया रिजल्ट, अरे बधाई हो भैया। 90% यस यस यस। 90 नहीं नहीं सिर्फ 8। क्या मतलब? 2 में से 8 नंबर आए ना आपके, तो ये बना 8%। क्या मेरे तो गोवा। अरे यार चुप करो तुम, मैं गोवा की पढ़ी है, अगर पापा को मेरा रिजल्ट पता लग गया ना, मार मार के मेरे पिछवाड़े पे गोवा का नक्शा बना देंगे। ओह नो यार ये तो गलती थी, मर गए पापा। भैया वो पैसे भेजने तो भेज दो। अरे भैया मेरा मतलब है गांव में भेजने। हाँ तो भेज दो ना भाई, मैं क्या करूँ? अरे आपके यहाँ मनी ट्रांसफर होती है ना, वही करवानी है। हाँ तो भैया ऐसे बोलो ना मनी ट्रांसफर करने, आप भी गोल गोल बातें घुमा रहे हो। बताओ अकाउंट नंबर बताओ अपना। लिखो भैया 11 11 12 12 11। कितने भेजने? मुझे तो एक्चुअली 11,000 भेजने, लेकिन आपका मन है ज्यादा भेजने का तो भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई मेरी बुआ की बेटी की शादी है क्या, जो तू पैसे भेज रहा है तो उसमें मैं अपना शगन भी घुसा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आप फोटो खींच दोगे क्या? हाँ जी मैडम जी बिल्कुल खींच देंगे, इसलिए तो बैठे हैं। आप बताओ कितनी फोटो खींचनी है आपकी? 4 खींच दो, पासपोर्ट साइज फोटो। जी जी आ जाओ अभी खींच देता हूँ। अरे पहले मनी ट्रांसफर करो ना मेरा। ओ झिंगूर तेरे पैसे बाद में भेज दूंगा, मैडम को अभी जल्दी है, पहले इनका काम कर देता हूँ। नहीं नहीं मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। देखा देखा बोली ना बहुत जल्दी है इनको। मैडम पोज दो आप। पोज दो आप पोज। ओ मैडम यहाँ फोटोशूट चल रहा है क्या? हाँ। पागल औरत फैशन शो थोड़ी चल रहा है, ठीक से खड़ी हो ना। सॉरी भैया। भैया बोल दिया मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं नहीं खींच सकता आपकी फोटो। अरे भैया लेकिन ये क्या बात हुई फिर से? भैया मेरे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, अब जाओ यहाँ से बाहर। ओह नो। अबे ओ चिलगोजे तू क्या बत्ती सी फाड़ रहा है, तेरे को मनी ट्रांसफर करवाना है नहीं करवाना? भैया करवाना है नहीं करवाना है, अब चुप हूँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लो भैया इसकी लैमिनेशन कर दो। अभी कर देते हैं, लेकिन भैया सुनो पहली बता दूं, लैमिनेशन करते वक्त अगर आपका डॉक्यूमेंट जल गया तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। ऐसे कैसे नहीं होगी भैया, अरे आप लैमिनेशन कर रहे हो तो जिम्मेदारी तो आपकी हुई ना। ये रखी मशीन आ जाओ खुद कर ले। कर दो भैया अपने हिसाब से कर दो लैमिनेशन, गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? मैं गुस्सा हो रहा हूँ? नहीं नहीं सॉरी आपका गुस्सा हो रहे हो। अबे ओ छिले हुए अंडे, मैं बता रहा हूँ कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो अगली बार ना थोड़ा सोच समझ के बोलियो। ओके ओके कर दो लैमिनेशन कर दो। भैया लेना जरा। लाओ बताओ क्या दे रहे हो? ये पैन कार्ड है, इसकी 3 फोटोकॉपी कर दो। खुले पैसे हैं? नहीं 500 का नोट है। तो तुम्हारे 3 रुपए के चक्कर में मैं ये 500 का नोट तोड़ दूं? मैं जाके खुले पैसे लेकर आओ पहले। एक काम करो मेरा पैन कार्ड वापस करो, दो। ये लो। भैया ये मेरा पैन कार्ड नहीं है, मेरा नाम डॉली है, डॉली के नाम से होगा, चेक करो। अरे मैडम जी यहाँ कोई और कार्ड नहीं है डॉली के नाम से। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, अभी तो मैंने आपको अपना पैन कार्ड दिया था, इसका मतलब आपने मेरा पैन कार्ड खो दिया। आपने मेरा पैन कार्ड खो दिया? मुझे नहीं पता भैया, कहीं से भी ना मेरे को मेरा पैन कार्ड लाके दो आप। ओ मैडम जी दुकान के अंदर एंट्री करते वक्त आपने पढ़ा नहीं बाहर क्या लिखा है, आपके डॉक्यूमेंट के जिम्मेदार आप खुद हैं। भाई बड़ी भैया ये थोड़ी होता है, ये कौन सी बात हुई भला? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे भैया ये सब छोड़ना, अरे जो मैंने कार्ड दिया उसका लैमिनेशन करके दे दो ना। अबे अब तेरा क्या है? अरे आधार कार्ड जो लैमिनेशन करने के लिए दिया है। ओ हाँ अभी कर देता हूँ रुको। चलो भैया हो गए आपको 50 रुपए। ओ 50 रुपए के बच्चे, अबे मेरे आधार कार्ड के साथ ये क्या कर दिया, इसके तो चीथड़ उड़ा दिए तूने।
तो इसमें मेरी क्या गलती? आपके डॉक्यूमेंट के जिम्मेदार आप खुद हो, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते भैया। अबे तेरी तू। हाँ भाई एक काम करना, तोड़ दे इसकी बोर्ड को। क्यों भैया, खराब है क्या ये? खराब है नहीं बेटा, तू जरूर कर देगा। अरे आराम से यूज नहीं कर सकता क्या? एक काम कर, तेरे साइड में जो लड़की बैठी है ना, उसे दे कीबोर्ड। अरे भैया इसको कीबोर्ड मत दो, थोड़ी देर पहले माउस यूज कर रही थी, माउस तोड़ के बैठी है ये, तब जाके मैंने इससे कीबोर्ड छीना है। क्या वो भैया गलती से टूट गया? गलती से टूट गया? यहाँ पर एक घंटे का मुझे 50 रुपए दे रहे हो और मेरे 2-3 हजार रुपए का कीबोर्ड माउस खराब कर रहे हो। एक काम करो, निकलो यहाँ से। भैया बस 5 मिनट का और रह गया, फिर मैं जा रहा हूँ। अबे वो तेरे पहले से ना 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। हाँ तो जब आप मेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा दे चुके तो एक काम करो ना, 5 मिनट थोड़े और दे दो। क्यों हाई टोबा मचा रहे हो? अच्छा ठीक है, दे दे 5 मिनट मैंने। लेकिन लड़की तू निकल यहाँ से, मेरा माउस खराब करके बैठी है। भैया आपका ऊपर वाला माला थोड़ा सा खाली है क्या? जब मैं आई इसके साथ हूँ तो इसके साथ ही जाऊंगी ना। तुम दोनों आज के बाद मेरे कैफे में मत आना। Oh, no. एक तो बात मुझे ये समझ नहीं आती है, जब भी तुम दोनों मेरे कैफे में आते हो पता नहीं मेरे नेट की स्पीड कैसे स्लो हो जाती है। अरे वो तो इसलिए क्योंकि आपका जो वाईफाई यहाँ पे लगा ना, उससे मैं अपने फोन में गेम्स और मूवीज ये सब डाउनलोड करके ले जाता हूँ। क्या बेटा तू मुझे बर्बाद करके मानेगा क्या? एक काम करता हूँ ना, अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर देता हूँ और मैं सड़कों पर भीख मांग लेता हूँ, है ना? अरे नहीं नहीं भैया, जायदाद वगैरह तक तो ठीक था, लेकिन आप भीख मत मांगना, आप कुछ काम धंधा कर लेना। हाँ बेटा ये कैफे मैंने काम धंधे के लिए खोला था, लेकिन इस दुनिया में तुम जैसे लोग भी तो हैं जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए सोचते हैं। अच्छा ठीक है ना भैया, इतने चिल्ला क्यों रहो फिर? दिमाग ही खा गया यार हमारा, नहीं आएंगे आज के बाद आपके इस कैफे में। ओए मां रखो अपना कैफे अपने पास, चाट लो इसको। तो चल डॉली चलो। भैया सॉरी भैया। ओ भाई देख, आज तो पाठक अंकल की बेटी बैठी है यार, मेरे को ना इस पर क्रश है। अरे भाई तेरी थोड़ी ना क्रश अकेले की, पूरे स्कूल की क्रश है। तो बताइए क्या काम है? डॉली ये पेन ड्राइव भर दो। लो क्या डालना है इसमें? अपना नंबर डाल दो। क्या? अब मेरा मतलब है कि तुम पहले बता दो इसमें स्पेस कितना है। इसमें स्पेस है 7 GB। 2-2 GB की ना 3 मूवी डाल दो। अरे वो धूम और टाइगर जिंदा वो भी डलवा ले। ठीक है और हेरा फेरी डाल दो। ये लो डल गई। थैंक यू। कितने रुपए हुए? 300 रुपए। थैंक यू। ओए रोहन पैसे दे दे। मैं क्यों पैसे दूंगा, तू देना। अच्छा मतलब पैसे मैं दूं और मूवी तू भी देखेगा? तुझे पता नहीं है क्या मुझे हराम के खाने की आदत है, वो क्या है ना अगर मेहनत की खाऊंगा तो खट्टी ढकारे उड़ जाती है। एक बात बता, तेरे परिवार को भी ये दिक्कत है? क्यों? वो क्या है ना कि मम्मी मेरे क्या है कुत्तों को रोटी डालती है, तो मैं सोच रहा हूँ कुत्तों को ना डलवा के तेरे परिवार को भी दे दूं। ओह नो। ओए गुड्डू ज्यादा नहीं बोल रहा है तू, ऊना हट। अरे तुम मेरे पैसे दो और बाहर जाकर लड़ो। आपके पैसे? पैसे तो हमारे हुए ना, हम अपने घर से लेकर आए हैं। अबे ओ चिंपैंजी, तेरी पेन ड्राइव में मूवी डालने के पैसे दे। अच्छा तो ऐसे कौन ना डॉली, आपने ना अपने प्यार में तो कराई था, अब बातों में भी पागल कर रही है। क्या बोल रहे? अब दे रहा हूँ आपके पैसे, दे रहा हूँ। एक मिनट, अबे तो मेरा पर्स है यार, मैं तो जान मुझे से घर पे भूल के आया था। जी हाँ मुझे पता है तू जान पूछ के भूल के आया था, इसलिए मैं लेकर आया था जान पूछ के। पर तू हर बार यही करता है, भाई मैंने पर्स घर भूल गया, भाई तू दे रहे पैसे। हाँ नहीं तो नौटंकी बात, पहले तो ये सारे पैसे मैं ले लेता हूँ जो तूने मेरे से उधार ले रखा, ये सारे मेरे पैसे, फिर उसके बाद इनके दे लेता हूँ बाकी पैसे। मैडम जी ये लो आपके 300 रुपए। मेरे पैसे यार तेरी तो। तो किसी लिए आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जिसने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, एकदम फ्री है। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।